हेलो फ्रेंड, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी सार के मोबाइल सॉल्यूशन में। आज हमारे पास एक हैंडसेट आया हुआ है जो कि रेडमी नोट 9 का हैंडसेट है। इसमें जो प्रॉब्लम है ना, रीस्टार्ट का प्रॉब्लम है। आपको यूट्यूब में काफ़ी सारे वीडियो मिल जाएगा रीस्टार्ट के रिलेटेड, लेकिन इस टाइप से जो फॉल्ट है ना, काफ़ी सारे फॉल्ट आते हैं जो रेडमी नोट 9 का जो हैंडसेट है। तो इसमें जो किस टाइप से रीस्टार्ट का प्रॉब्लम है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देख सकते हो अपने यहाँ पर हमने चार्जिंग को लगा लिया है। चार्जिंग लगाने के बाद देख सकते हो यहाँ पे जो MI का लोगो है आके रुका हुआ है। और आपको जो YouTube पे ज़्यादातर के वीडियो मिलेगा उसमें इस टाइप से मिलेगा कि जैसे लोगो आता है और एक सेकंड के अंदर ही वो लोगो चले जाके फिर से वापस से वो लोगो आता है, ठीक है, उस टाइप से। तो इसमें देखो कुछ जो रीस्टार्ट का जो प्रॉब्लम है ना, थोड़ा अलग सा है। अब देखना, काफ़ी टाइम से रीस्टार्ट का जो फर्स्ट लोगो पे यहाँ पे रुका हुआ है। हम थोड़ा सा वेट करेंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी ऑल पे सेट करके रखना। तो यहाँ पे देख सकते हो जो लोगो है वैसे चला गया है। थोड़ी देर यहाँ पे देख सकते हो 5-10 सेकंड रुकने के बाद वापस से ये जो MI का फर्स्ट लोगो है फिर से स्क्रीन पे आ चुका है। हमने चार्जिंग से निकाल दिया है। अब भी इसमें दिखाऊंगा कि किस टाइप से प्रॉब्लम है। चाहे आप चार्जिंग पे लगाओ, अगर बैटरी में चार्जिंग है फिर भी इसमें यही प्रॉब्लम आएगा रिस्टार्ट का। देखो, रिस्टार्ट का जो पैटर्न है ना वो अलग है। जो आपको मैंने यूट्यूब में भी चेक करा था, काफ़ी सारे वीडियो मैंने देखा है कि वो जैसे रिस्टार्ट का प्रॉब्लम है तो एक सेकंड के अंदर लोगो आके चला जाता है। और इसमें ना काफ़ी सारे काम हो रखा है, जैसे कि वहाँ पे एक थर्मिस्टर होता है उसको निकाल देने के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। इसमें जो 4GP है उसको भी शायद रिवॉल्विंग किया गया है, बाद में वो जो थर्मिस्टर है उसको भी चेंज करा गया है, निकाल दिया गया है। बाद में उसके थर्मिस्टर के बाजू में एक रजिस्टर है उसको भी निकाल दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हो बैटरी लो है इसमें, शायद इसीलिए सब दिखा रहा है। तो एक बार मैं आपको मदरबोर्ड का कंडीशन भी आपको दिखाऊंगा। देखो, अपर साइड जो है बिल्कुल फ्रेश कंडीशन में है। इसका बैक साइड में आपको दिखाऊंगा इसमें क्या क्या काम हुआ है। देख सकते हो 4GP के पास जितने भी काम है आपको इसमें अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको माइक्रोस्कोप की स्क्रीन से दिखाता हूँ। तो इस टाइप से अगर प्रॉब्लम आता है ना तो मैं इसको कम्प्लीटली डिटेल्स में बताऊंगा कि आपको कहाँ कहाँ काम करना है, और इस टाइप से अगर प्रॉब्लम आता है तो आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो बोर्ड की कंडीशन जो भी इसमें काम हुआ है, 4G IC के पास ही हमारा काम हुआ है। तो देख सकते हो हम आ चुके हैं माइक्रोस्कोप की स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे आपको प्रॉपर दिखेगा। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पे शायद 4GP रिवॉल्विंग हुआ है। बाद में यहाँ पे देखो थर्मिस्टर भी यहाँ पे मिसिंग है, उसके राइट साइड में और एक रजिस्टर है वो भी मिसिंग है, ठीक है। जैसे देखो मैं ट्वीज़र आपको दिखा रहा हूँ, इसमें यहाँ पे दोनों थर्मिस्टर भी मिसिंग है और उसके राइट साइड में एक रजिस्टर रहता है वो भी मिसिंग है। तो अभी हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, जो हमारा 4GP है उसको हम निकाल के देखेंगे कि क्या जो हमारा प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता है। कई बार ऐसा होता है कि 4GP प्रॉपर ना लगने की वजह से आपस में कोई बॉल शायद जुड़ गया होगा, उसके कारण से भी ये रिस्टार्ट हो सकता है। क्योंकि देखो इसमें रिस्टार्ट का जो पैटर्न है ना वो थोड़ा अलग है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम 4GP को निकाल के फिर एक बार चेक करेंगे कि जो हमारा रिस्टार्ट का प्रॉब्लम है वो हमारे 4GP से कहीं 4GP की जो हमारा वहीं से तो हमारा जो प्रॉब्लम है वो नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद हम एक एक करके जो पे दो हमारा थर्मिस्टर और एक रजिस्टर मिसिंग है उसको भी हम लगा के चेक करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो ऑलरेडी इसमें शायद से 4G IC जो है हमारा उसको रिवॉल्विंग किया गया है, क्योंकि देखो बीच में जो लाइन है उसमें सोल्डर लगा हुआ नहीं है। तो चेक करते हैं, चलो देखते हैं क्या होता है। आप नीचे एक बार कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके पास किस टाइप से फ़ोन आया है। अगर मैं जैसे मेरे पास अभी ये फ़ोन आया हुआ है तो इस टाइप में जो प्रॉब्लम आया है इसी सेम पैटर्न में आपके पास प्रॉब्लम आया है, या जो एक सेकंड के अंदर जो आपको यूट्यूब में ना वो जो रेडमी नोट 9 का जो प्रॉब्लम है ना, इसको काफ़ी सारे आपके पास शायद आ सकते हैं। समझो अगर 10 में से 8 फ़ोन ऐसा हो सकता है कि उस टाइप से आए, लेकिन 2 फ़ोन ऐसे ज़रूर होंगे कि इस टाइप से प्रॉब्लम आते हैं। तो इस टाइप से फ़ोन आने के बाद आपको क्या क्या काम करना है, और हमारा जो इसमें प्रॉब्लम है ये सारे चीज़ें करने के बाद भी अगर नहीं होता है तो आपको क्या आप कहाँ पर काम करना है वो भी चीज़ मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। वीडियो के साथ आप पूरा बने रहो, पूरे वीडियो को देखो। वीडियो अगर पसंद है प्लीज़ लाइक करो, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, और जो हमारा बेल आइकन है उसको भी ऑल पे सेट करके रखो, क्योंकि हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और कुछ ना कुछ जानकारी आपको देने की कोशिश करूँगा। क्योंकि नोट 9 के जो अभी काफ़ी हद तक के हैंडसेट आ रहे हैं रिस्टार्ट प्रॉब्लम से,
डेट प्रॉब्लम्स हैं, तो ये सारे शायद आपको कोई ना कोई वीडियो आपके काम में आ जाए, तो चैनल से आप जुड़े रहो। तो यहाँ पे देख सकते हो हमने आईसी को निकाल दिया है, और जो मदरबोर्ड के जो पैड्स होते हैं उसको भी हमने क्लीन कर दिया है एकदम बिल्कुल अच्छे से। अब जब भी काम करो क्लीन तरीके से काम करो, साफ़ सुथरा काम करोगे तो काम करने के लिए अच्छा लगेगा। और मदरबोर्ड्स में हम जैसे काम करते जाते हैं, अगर आप पेस्ट को क्लीन करके काम नहीं करोगे तो धीरे धीरे उसके ऊपर जो काम करने का एक लगाव होता है वो छूट जाता है, वो अच्छा नहीं लगता। फिर उस मदरबोर्ड में काम करने का इच्छा मर जाता है और हम कस्टमर को फ़ोन रिटर्न कर देते हैं। तो ये चीज़ का ख्याल रखो, जब भी काम करो जो उसमें जो फ्लक्स पेस्ट वगैरह लगा हुआ होता है उसको आप अच्छे से थिनर से क्लीन करते रहे। तो यहाँ पे देख सकते हो हम 4GPA को निकाल दिया है, उसके पैड्स को भी रिबॉलिंग कर दिया है। अभी फ़ोन को हमने ऑन करके देख रहे हैं कि हमारा फ़ोन जो चालू होता है कि नहीं, या सेम पैटर्न पे रुका हुआ है। ठीक है, तो हम माइक्रोस्कोप की स्क्रीन से आपको दिखा रहे हैं कि जो फ़ोन हमारा कम्प्लीटली ऑन होता है कि नहीं। तो देख सकते हो अभी भी हमारा सेम पैटर्न पे है, MI लोगो पे है। थोड़ा सा वेट करेंगे और चेक करेंगे। आप एक बार ज़रूर कमेंट में बता देना कि आपके पास इस टाइप से प्रॉब्लम आया हुआ है कि नहीं। देख सकते हो जो फ़ोन है हमारा लोगों से मतलब बंद हो गया है। अब थोड़ा सा वेट करेंगे, देख सकते हो वापस से रिस्टार्ट होने लगा है, बैटरी लो है। जो कि स्टार्टिंग में जो प्रॉब्लम था अभी भी वही सेम प्रॉब्लम में रुका हुआ है। फिर से देख सकते हो फर्स्ट लोगों पर आया हुआ है। और थोड़ा सा वेट करते हैं, कई बार होता है कि 2 बार रिस्टार्ट होने के बाद हैंडसेट हमारा चालू होता है। तो हम फिर से और एक बार देखेंगे। और ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता है कि नहीं होता है, एक बार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर नहीं होता है तो कमेंट कर देना, क्योंकि जितने भी भाई हमारे चैनल पे कमेंट करते हैं, जो भी वीडियो से कमेंट करते हैं, हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई देता हूँ। कुछ मतलब 99% रिप्लाई मैं दे देता हूँ। 1% ऐसा होता है कि जैसे नेगेटिव वाले भाई भी रहते हैं जो आलतू फालतू के कमेंट्स करते हैं, तो उनको ही सिर्फ रिप्लाई नहीं देता हूँ। जिनको हेल्प चाहिए होता है उनको मैं प्रॉपर रिप्ले कर ही देता हूँ। ठीक है, अभी भी देख सकते हो फर्स्ट लोगों पे ही रुका हुआ है। थोड़ा सा वेट करके देखते हैं, देख सकते हो फिर से हैंडसेट बंद हो चुका है। तो जो हमारा प्रॉब्लम है अभी तक के वहीं पे रुका हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हो हमने एक हमारे पास एक हैंडसेट है रेडमी नोट 9 का, स्क्रैप में पड़ा हुआ। तो उसमें से वहाँ पे देख सकते हो उसमें थर्मिस्टर लगा हुआ नहीं है, रजिस्टर लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम इसको निकाल के हमारे उस बोर्ड में जो हमारा जो मेन बोर्ड है उसमें हम उसमें इंस्टॉल करेंगे। और इसमें जो थर्मिस्टर है वो मिसिंग है, तो उसको भी हम यहाँ पे 2 थर्मिस्टर यहाँ पे लगा हुआ है, कि MMC के नीचे में लगा हुआ है और एक जो हमारा 4GPA है उसके पास में लगा हुआ है। तो यहाँ पे जो हमारा स्क्रैप बोर्ड है उसमें वहाँ पे लगा हुआ नहीं है। तो हम देखेंगे अगर उसमें शायद MMC के नीचे वाले में उसमें लगा हुआ है, तो वहाँ से निकाल के फिर हम उसको इंस्टॉल करेंगे थर्मिस्टर को भी, क्योंकि जो थर्मिस्टर उसका जो वैल्यू है सेम है, चाहे MMC के बाजू से निकालो या 4GPA के बाजू में से निकालो। ठीक है, वीडियो को मैंने स्पीड में रखा हुआ है क्योंकि ये जो निकालने का और जो इंस्टॉल करने जो लगाने का जो पैटर्न है वो तो सबको पता है कैसे निकालना है लगाना है। तो उसकी इसीलिए मैंने वीडियो को स्पीड में कर दिया है कि आपका टाइम बचे, हमारा भी टाइम बचे, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो हमने जो थर्मिस्टर है उसको और जो साइड में जो रजिस्टर है उसको भी हमने लगा दिया है। अभी बोर्ड को थोड़ा ठंडा करके आप थिनर से उसको अच्छे से क्लीन कर दें। देख सकते हो जो हमने जो प्रोसेस है वो कम्प्लीटली कर लिया है। अभी एक बार चेक करके देखते हैं बोर्ड को, क्योंकि अभी गर्म है थोड़ा सा, हम थोड़ा सा वेट करके फिर चेक करेंगे कि जो हमारा प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुआ है कि नहीं। देख सकते हो अभी भी हमने 4GPA है उसको हमने लगाया नहीं है। कोई RFIC बोलते हैं, कोई 4GPA बोलते हैं, कोई 4GIC बोलते हैं, सबका बोलने का तरीका अलग है, लेकिन है सेम ही। आपको जो अच्छा लगे आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बट जब भी आप काम करो आपका जो काम है वो सक्सेसफुली होना चाहिए। बोर्ड गर्म है इसलिए मैं आपको बार बार जूम करके दिखा रहा हूँ। थोड़ा सा जैसे ही ठंडा हो जाएगा तो मैं आपको चालू करके दिखाऊंगा।
बोर्ड को अभी फ्रेम में फिक्स कर लेते हैं। हल्का गर्म है, चलो कोई दिक्कत नहीं, इतना गर्म में हैंडसेट ऑन हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। जब भी फ़ोन अगर फुल मदरबोर्ड हीट रहता है तो आप चालू करके ना देखें, जब फ़ोन ठंडा हो जाए थोड़ा सा कूल करने के बाद आप उस चीज़ को करें, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि मदरबोर्ड हमारा फुल गर्म रहता है, हम चालू करके देखते हैं तो कई बार हैंडसेट डेड होने की चांसेस होते हैं। देख सकते हो फर्स्ट लोगो आया है, तो मैं लाइट बंद कर दिया हूँ, अभी चार्जिंग पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा फ़ोन है इसमें 15% शायद इसमें चार्जिंग दिखा रहा है, आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा। एक बार मैं आपको फ़ोन ऑन करके दिखाता हूँ, देख सकते हो एक बार फ़ोन को ऑन करके आपको माइक्रोस्कोप में अच्छे से दिखने वाला। जैसे देख सकते हो फ़ोन को हमने ऑन कर दिया है, अभी थोड़ा सा हम वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता, थोड़ा सा हम रुकेंगे। तो अभी फ्रेंड देख सकते हो जो फ़ोन हमारा है सेकेंड बूट के लिए जा चुका है। थोड़ा देख सकते हो फ़ोन हमारा जो है कम्प्लीटली ऑन हो चुका है। जो हमारा प्रॉब्लम था ये थर्मिस्टर है रजिस्टर दोनों में से किसी एक में होगा, हो सकता है वो रजिस्टर की वजह से हैंडसेट रिस्टार्ट में जा रहा था, या तो फिर थर्मिस्टर की वजह से। हमने बिल्कुल प्रॉपर चेक नहीं किया है, क्योंकि उसमें दो रजिस्टर, एक थर्मिस्टर एक रजिस्टर मिसिंग था, जिसके कारण हमने इसको करें। चलो फ्रेंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट और एक वीडियो में।